अयोध्या में पुराना प्लास्टिक का डम बना बच्चे की मौत का रास्ता। बरेली, तहसील आंवला के ग्राम अयोध्या में एक बच्चे की मौत, चार घायल। ग्राम अयोध्या के सतवीर एक पुराना प्लास्टिक का डम आंवला से खरीद कर आया था, जो उसी के बच्चे की मौत का रास्ता बन गया है। बताते चले कि पिछले दिनों सतवीर पशुओं के चारा खिलाने के लिए एक प्लास्टिक का पुराना डम आंवला से खरीद कर लाया, जिससे वो दो टुकड़े करने के लिए काट रहा था। अचानक ही डम में से आग निकली, जो सतवीर के एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और चार बच्चों को जला दिया। हमारे घर पर सर जो ड्रम है वो लेकर आए थे, वो हम काट के दो भाग कर रहे थे। उसमें से पता ना अचानक में हमें ये भी नहीं पता लगी किधर से आग आई या उसमें से जली है। जैसे चमक होती, चमक के आधार पे ड्रम में ही मलम पड़ी, जो कटी हुई धारी है वहाँ से ही ने कुछ जीता दिखाई दिया और गायब है। और जो बच्चे जले हैं तो भी हमें जाना पता बच्चे जल गए या सही है। बच्चे हमारे पास बुझ भी गई, बच्चे सब भाग गए हैं। फिर कैसे पता चला आपको क्या हुआ? बच्चे जब हम घर में से निकल के गए हैं तो हमारे पड़ोस में जो दरवाजे से बाहर एक आज ने उन्होंने कहा बच्चे जल गए। तो उन्होंने हमने पूछा भी बच्चे हमारे किधर को गए, कोई इधर को बताया कोई उधर को जाए। बच्चे हमारे पास में थे सात, सात में से पांच बच्चे जल गए, दो बच्चे थे। दो बच्चे बच गए थे है? जी अच्छा, खत्म किसका बच्चा हुआ? क्या बच्चा खत्म जो हमारा हुआ था। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम था प्रेम सिंह। कितनी उम्र होगी? उम्र सर 4 साल 3 महीने की है। क्या नाम था उसका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह नाम था। पढ़ता था क्या वो? नहीं पढ़ता नहीं था। अच्छा, तो जो बच्चे जो जल गए हैं जी, वो कौन कौन जले गए? जिसमें करण सिंह है, अर्जुन सिंह है और एक सचिन है, योगेंद्र है। चार बच्चे थे, उनका कहाँ इलाज चल रहा है? दो तो अभी जी घर पे हैं, दो बरेली को ले गए मोर सिंह। वो जो दो बच्चे और हैं वो किनके हैं? मोर सिंह के। आपके कौन है वो? हमारे साड़ू है। जिसमें एक बच्चे की मौत हुई होगी उसके बारे में क्या? उसके बारे में जांच करवाई जाएगी। मामला जैसा संज्ञान में आया है, कोई ड्रम था उसको काट रहे थे, उसमें से कुछ केमिकल निकला और ब्लास्ट हो गया। तो बच्चों के उपचार के लिए यदि वो उपचार यहीं किसी CHC या PHC में करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर व्यवस्था, नहीं तो वो जिला अगर अस्पताल जाना चाहते हैं तो वहाँ पर उनके इलाज की व्यवस्था की जाए, वो भी नियमानुसार है अस्पताल। कल एक वो लाइनमैन गिर गया था।